मेजा प्रयागराज में चकमार पर दबंगों का कब्जा। मेजा तहसील के अंतर्गत निवासी अतरी अमलिया रामपाल गुप्ता पुत्र रामधनी गुप्ता चकमार को लेकर सन 2013 से आज तक कोर्ट का चक्कर काटते काटते थक गया है। आज तक सुनवाई नहीं हुई। इसकी शिकायत की जिला अधिकारी उप जिला अधिकारी मेजा से किया, लेकिन उसकी दबंगाई के कारण नहीं सुनवाई हुई। दबंग लोग परसोत्तम पुत्र शिवधारी पटेल, गुलाब शंकर हरिशंकर, श्याम लाल पुत्र गुणमुन्नी लाल पटेल, दीप नारायण भूप नारायण कहते हैं, जो मेरा करना है वो कर लो, प्रशासन मेरा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेखपाल दबंग लोगों से मिले हुए हैं। दबंग लोग आए दिन मारते पीटते रहते हैं और धमकी भी देते हैं, ज्यादा करोगे तो जान से मार देंगे। इससे पीड़ित लोग सदमे में है, न्याय की गुहार लगा रहे है। रहने वाला हूँ, 430 नंबर चकमार्ग है और उस पर दबंग लोग जबरी कब्जा किए हैं। हमने डीएम एसडीएम सबको अवगत कराया, हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी लिया, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, न लेखपाल सुन रहा है, न कानून को, न तहसीलदार। कौन कौन उसके कब्जा है? उसमें है परसोत्तम है और दीप नारायण, भूप नारायण और क्या कहते हैं और तीन चार लोग और हैं उसमें। इसकी शिकायत आप कहाँ कहाँ की? अरे हमने एसडीएम को किया, डीएम को किया, तहसीलदार को किया, हाई कोर्ट तक चली गई दूसरी पार्टी हमारी। एसडीएम क्या कह रहे हैं? एसडीएम साहब तो सुन ही नहीं रहे हैं, जाते हैं तो कहते हैं कि क्या कहते हैं दूसरी बात करके दूसरे जगह नाम पे चले आते हैं। लेखपाल क्या बोल रहे हैं? लेखपाल तो कहता है ये गलत है, जो छोटे कर्मचारी कर रहे हैं वो जो बड़े कह रहे हैं वही हम करेंगे। कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा। आपको कौन कहाँ कहाँ पे आप दिए थे? अरे ये तो हमने एसडीएम को दिया, डीएम को दिया, तहसीलदार को दिया, देते देते तो थक गए सारे, पूरे जितने कर्मचारी हैं सबको दिया, देते देते सब थक गए। लेखपाल ने आया गांव में इसकी सर्वे किया? लेखपाल तो कहता है जो बड़े अधिकारी कहेंगे वही करेंगे। मतलब मिल गया? हाँ, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जाते हैं तो कहते हैं किसको खाली करो, दूसरे दिन जाते हैं भूत होके चले आते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है किसी का। सीएम से भी आपने शिकायत की? सीएम को भी हमने रजिस्टर किया था जी। तो उसी कोई सीएम के यहाँ से वो फोन आया था हमारे मोबाइल पे, तो मैं कहा कोई गया, तो हमने कहा भाई कोई आया ही नहीं है जी। उसके बाद कोई पता ही नहीं चला उसको जी।